कराची में सिंध पुलिस की ईमानदार क्यादत के जेर साया थानेदारों का चौपट राज जारी है। मलीर मेहरान गोच में पुलिस की सरपरस्ती में जुए का धंधा उरूज पर है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली है। मलीर मेहरान गोच से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस की जेर सरपरस्ती जुए का धंधा उरूज पर है। मजीद बात करते हैं 92 न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। मोहम्मद सलमान, ये मनाजर हम नाजरीन को दिखा सकते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, ये मलीर मेहरान गोच का इलाका है, मलीर सिटी थाने की हुजूर है। यहाँ पर जो है वो एक मकान में जुए का बड़ा अड्डा जो है वो चल रहा है। पुलिस की मुहैया तौर पर सरपरस्ती के खिलाफ है, और इस हवाले से जो है वो जराये का कहना है कि मलीर सिटी को 9 या 50 हजार रुपए भत्ता इस जगह से मिल रहा है। इस जुए के अड्डे पर जो है वो छक्का चट्टी और दीजर जो जुए के किस्से हैं उसको जो है वो यहाँ पर जाता है, और उसके बाद जो है वो खुलेआम 24 घंटे का चलता रहता है। आला हुकाम जो है उनकी जानब से वादे हिदायत है, ईमानदार जैसे पुलिस की है, लेकिन जो थाने लेवल के अफसरान हैं वो धूल धोक रहे हैं आला हुकाम की आंखों में। जी मोहम्मद सलमान, एसएसपी मलीर राव अनवार इस मामले पर क्या कहते हैं? उनके इल्म में है, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जो जिले का एसएसपी हो उसके इल्म में इस तरह की चीजें ना आती हो, लेकिन सामने नहीं आया है कि वो ये क्या कहे। लेकिन ये जो है वो आला हुकाम की जाने से हिदायत की गई है कि जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो भी मुलव्वज़ अहलकार होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मोहम्मद सलमान, ये बताइएगा कि क्या वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं आम रिहायशी, उन्होंने इस मामले के बारे में शिकायत पहले कभी कोई दर्ज करवाई? जी बिल्कुल, दराय का कहना है कि बाकायदा जो है वो करीब सिटी थाना है, वहाँ पर जो है वो दरख्वास्त दी गई है और वहाँ पर शिकायतें की गई हैं, लेकिन जो है वो लोग ज्यादातर इस तरह के जराइम पेशा लोगों से जो है वो घबराते हैं और डरते हैं। तो बाबा तौर पर इलाके की जानब से शिकायतें तो की गई है, लेकिन इंफरादी तौर पर जो है वो लोग कुछ इसके इकदाम नहीं उठाते, क्योंकि जो इलाका मतीन है उनका यही कहना है। याजे सुल्तान ख्वाजा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सुल्तान ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। सुल्तान ख्वाजा साहब, ये मामला आपके इल्म में है कि जुए का अड्डा पुलिस की सरपरस्ती में चलाया जा रहा है? लेकिन बात यह है कि जो रिसेंट आईजी साहब के इनिशिएटिव्स हैं और जो इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से राइटिंग में गई है, उसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये कतई नामुमकिन है कि पुलिस की सरपरस्ती में कोई भी थानेदार इस मामला को चलाए, और अगर वो चलेगा तो उसके खिलाफ दो कार्रवाइयां होंगी। एक पैकी रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है उसमें लिस्ट का नाम आएगा, एंड हिंस पे फॉर एवर विल नॉट बी फिट फॉर द पोजीशन ऑफ एसिस्टेंट। दूसरा ये है कि सीवियर पनिशमेंट के तहत उसको नौकरी से डिसमिस भी किया जाएगा। रिसेंटली मेरे आने के बाद मैंने 2-3 अड्डों पे रेड किया है, उन अड्डों को बंद कराया, उन्हें सचोच को शोपाल दिए, उनको नौकरी से डिस्मिस करेंगे। और एक सिविल कंप्लेंट आई थी जिसमें किसी एसएचओ की ज्यादती थी, जिसमें किसी गरीब खातों पे, उसके मियाँ पे, उसके तमाम बच्चों पे, उसके दामाद पे, और उनसे पर्चा किया था, और उसका कॉग्निजेंस लेते हुए उसको सर्वी कर रिमूव किया है, उसको शोकाज दिया, उसको नौकरी से आगे हम डिपार्टमेंटल एक्शन। सुल्तान ख्वाजा साहब, मामला यह है कि हम ये फुटेज अपने नाजरीन को दिखा सकते हैं, जहां पर पुलिस के जेर सरपरस्ती ये अड्डा चलाया जा रहा है, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।